धारमोह लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम जिला निर्वाचन अधिकारी व्यंग मिश्रा द्वारा अधिकृत तौर पर घोषित किए गए हैं। धारमोह लोकसभा की 8 विधानसभा में कुल 14,25,647 मत पड़े थे, जिसमें भाजपा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर को 7,94,449 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मोवेल को 5,75,784 मत मिले। इस प्रकार भाजपा प्रत्याशी श्रीमती सावित्री ठाकुर 2,94,449 रिकॉर्ड मतों से दूसरी बार विजयी हुई। आपको बता दें कि श्रीमती सावित्री ठाकुर सन 2014 के लोकसभा चुनाव में भी विजयी हुई थी। अपनी जीत पर सावित्री ठाकुर ने इसे कार्यकर्ताओं की जीत बताते हुए कहा कि भर गर्मी में कार्यकर्ताओं ने जो लगन और निष्ठा से कार्य किया, उसी का परिणाम आज सामने है। आपने अपनी जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को भी सामने रखा। महिला होने के नाते मुझे 8वां विधानसभा में महिलाओं का अपार स्नेह प्राप्त हुआ है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारी पूरी निर्वाचन की जो टीम है और हमारे अभ्यर्थी हैं, ये जो प्रक्रिया होती है निर्वाचन की, ये जब माननीय निर्वाचन आयोग घोषणा करता है चुनाव की, वहाँ से प्रारंभ होती है। फिर हम लोग कैंडिडेट्स, जो अभ्यर्थी खड़े होते हैं, वो अपना पर्चा भरते हैं, फिर एक कैंपेनिंग का दौर चलता है, फिर मतदान दिवस आता है और उसके बाद जो है आज काउंटिंग होती है। ये पूरी प्रक्रिया में बहुत से लोगों का श्रम, बहुत से लोगों की मेहनत और संयम इतनी गर्मी के मौसम में, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा हमारे मतदाताओं को। आज जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया हुई है, उसको हम लोगों ने प्रारंभ प्रातः 8 बजे से किया और अभी हम लोगों ने उस पूरी मतगणना की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से हमने निर्वाचन की विजयी कैंडिडेट को अपना निर्वाचन का प्रमाण पत्र भी जारी किया है। और मैं सभी का, मीडिया बंधुओं का भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि बड़ी गर्मी का मौसम था और आज आप सब लोग दिन भर से डटे रहे। आपके सहयोग के बिना ये सब संभव नहीं होता है। और ख़ासकर जो हमारी पूरी यहाँ जो टीम लगी हुई थी, अभी भी हमारी को सीलिंग करनी है, उसमें काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, तो पूरी टीम को, हज़ारों लोगों की जो मेहनत इसमें थी, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो आज स्थिति निकल कर आई है, उसमें हमारे 7 कैंडिडेट्स थे, नोटा मिला के 8 कैंडिडेट्स थे, उसमें सबसे अधिक मत प्राप्त करने के आधार पर श्रीमती सावित्री ठाकुर जी को विजयी घोषित किया गया। Subscribe now to most exciting channel ever.